एलोन मस्क का नाम तो आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आप उनकी कंपनी स्पेसएक्स स्टारलिंक के बारे में जानते हैं? स्टारलिंक अभी कुछ दिनों से इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और उसके प्री रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गए हैं, और $99 दे के आप आसानी से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ये पूरी तरह से रिफंडेबल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये स्पेसएक्स स्टारलिंक है क्या और ये काम कैसे करता है, और इंडिया में कब तक लॉन्च होगा, और क्या है इसकी स्पीड, और ये स्टारलिंक का नेट किन लोगों के लिए ठीक है और किन को लगवाना चाहिए, किन किन के यूज़ के लिए है? तो आज मैं स्टारलिंक के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा और इसका स्पीड टेस्ट भी दिखाऊंगा। तो जो स्टारलिंक है ना, इसकी शुरुआत एलोन मस्क ने 2015 में की थी। तो जो ये एलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसने छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, तो उन्होंने एक जाल सा बिछा दिया पूरे अर्थ के चारों तरफ, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी दुनिया के किसी भी कोने में आपको मिल सके, और आपको ऐसे एरिया में भी कनेक्टिविटी मिल सके जहाँ पे ना वायर फैसिलिटी हो, ना इंटरनेट फैसिलिटी हो, और ना ही कोई इंटरनेट प्रोवाइडर आपको वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराता हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में होगे ना, तो आप एक हाई स्पीड इंटरनेट को यूज़ कर पाओगे और हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको दुनिया के किसी भी कोने में। स्टारलिंक के इंटरनेट स्पीड की बात करें तो आपको इसमें 50 Mbps से 150 Mbps तक की स्पीड देखने को मिलती है, और ये बहुत कुछ काफ़ी चीज़ें मौसम वगैरह पे भी डिपेंड करती है। ख़राब मौसम हुआ तो इसकी स्पीड आपको लो भी मिल सकती है, अच्छा मौसम रहा और साफ़ आसमान रहा तो आपको इसकी स्पीड अच्छी भी देखने को मिल सकती है। और एलोन मस्क ने इसकी स्पीड को 300 Mbps तक ले जाने की बात कही है, मतलब कि उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में हम 300 Mbps की स्पीड भी प्रोवाइड कराएंगे। स्टारलिंक के इंस्टॉलेशन और सर्विस कॉस्ट की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली है। इसकी शुरुआती कीमत $499 रखी गई है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। इसमें आपको सैटेलाइट डिश, राउटर और जो भी ज़रूरी हार्डवेयर सामान है, वायर वगैरह, आपको इसमें $499 में प्रोवाइड की जाएगी कंपनी की तरफ से, और इंस्टॉलेशन के बाद फिर आपको हर महीने $99 देने होंगे अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ करने के। मतलब कि इंस्टॉलेशन के बाद तकरीबन 7,400 रुपये आपको देने होंगे अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ करने के। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि भारत में लॉन्च होने के बाद कंपटीशन के चलते भारत में इसकी जो प्राइसेस है वो सस्ती हो जाएं, क्योंकि स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए आपको स्टारलिंक का ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके थ्रू आप इंटरनेट को कनेक्ट कर पाओगे, और ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर, एप्पल के ऐप स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, जिस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, और ये काफ़ी सिंपल बनाया गया है, ऐसा एलन मस्क ने कहा है। अभी के समय में स्टारलिंक इंटरनेट पूरे विश्व के केवल कुछ ही देशों में मौजूद है, लेकिन वह लगातार काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए। यदि हम उन देशों की बात करें जहां पर स्टारलिंक इंटरनेट मौजूद है, कुछ मुख्य देशों की बात करें तो उसमें US, कनाडा, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल है। वहीं आने वाले समय में स्टारलिंक इंटरनेट को दूसरे देशों में उपलब्ध कराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उन देशों में इटली, इंडिया, पोलैंड, स्पेन, चिली जैसे देश शामिल हैं। स्टारलिंक की बात करें तो इंडिया में ये दिसंबर 2022 तक आने की पूरे चांसेस है इसके, और दिसंबर 2022 से इंटरनेट सेवाएं स्टारलिंक की इंडिया में चालू हो सकती हैं। तो देखा जाए तो दिसंबर 2022 में हम लोग सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो स्टारलिंक है, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए? तो ये जो है ये काफ़ी कॉस्टली होगा, $499 का इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद आपको हर महीने $99 आपको अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ करने के चार्जेस देने होंगे, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। अब इंडिया में आपको लगभग हर जगह पे आपको फाइबर की इंटरनेट फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको मैक्सिमम स्पीड 1 Gbps तक की आपको देखने को मिल जाती है, और ये इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनको कि जिनके यहाँ पर नेटवर्क कवरेज नहीं है, जहाँ पे नेट की वायर नहीं पहुँच सकती और वहाँ पे इनको इंटरनेट की ज़रूरत है। तो देखना होगा कि इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो किस प्राइस रेंज के साथ लॉन्च होगा और इसकी क्या प्राइसिंग रहेगी इंडिया में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।